Hello everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants and the topic Epomyxis and Polyembryony. In today's session, we are going to solve a short answer type question of two marks which was asked in All India examination in the year 2014. So the question is, explain the different ways epomyctic seed can develop. Give example of each. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हम एपोमेक्टिक सीड कैसे बना सकते हैं और हर एक वे का एक एग्जाम्पल देना है सो लेट्स चेक द आंसर तो बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे एपोमेक्टिक सीड बन सकते हैं जिनमें से एक होता है कि जो डिप्लॉयड एक्सेल होता है वो बन जाता है बिना म्योसिस के दैट इज विदाउट रिडक्शन डिविजन जिससे जो एम्ब्रियो होता है वो बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दस दे आर नोन एज एपोमेक्टिक सीड्स फॉर एग्जाम्पल र्यूबस एप्पल और दूसरा तरीका होता है जो न्यूसिलर सेल्स होते हैं वो डिविजन स्टार्ट कर देते हैं और प्रोट्यूट करने लगते हैं एम्ब्रिय में और डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियोज में फॉर एग्जाम्पल इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सो देर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेक्टिक सीड्स इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग्सल इज फॉर्म विदाउट रोडक्शन डिविजन एंड डेवलप्स इन टू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल रूबस एप्पल in many citrus and mango varieties some of the nucellar cells surrounding the embryo sac start dividing protrude into the embryo sac and develop into the embryos in such species each ovule contains many embryos so i hope this question is clear to you thank you